अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 3B की एच मैथमेटिक्स बुक 3D 37th एडिशन जो न्यू एडिशन आया है उस एक्सरसाइज है ये, और इसका हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। इसे जो पिछले क्वेश्चन से पहले करवा चुकी हूँ उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है कि इन अ मैथ क्विज 5 points आर रिवॉर्डेड फॉर अ करेक्ट आंसर एंड 2 points आर डिडक्टेड फॉर अ रॉन्ग आंसर, और इफ अ क्वेश्चन इज लेफ्ट अनआंसर शर्ली अटेम्प्ट ऑल 30 questions एंड हर टोटल स्कोर फॉर द क्विज वॉज नॉट मोर देन 66। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ करेक्ट आंसर शी ऑब्टेन्ड। टोटल 30 questions थे और अगर करेक्ट आंसर है तो उसके 5 points जो हैं वो मिलते हैं, ठीक है, और अगर आंसर गलत है तो उसके 2 points जो हैं वो भी डिटेक्ट होते हैं, और अगर आंसर नहीं किया यानी कि उसे ब्लैंक छोड़ती है तो भी 2 points कट जाएंगे। और कह रहे हैं ये जो लड़की थी इसके जो स्कोर है वो 66 से ज़्यादा नहीं है यानी कि 66 या 66 से कम है, ठीक है। तो वैसे अगर देखा जाए तो टोटल 30 questions थे, अगर सारे सही हों तो हमारे पास यहाँ पे क्या आता है 150 आता है ना, क्योंकि 30 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 150 होना चाहिए अगर सारे करेक्ट हों। लेकिन इसका जो आंसर है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका जो है वो 66 से कम है या 66 है, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं कि करेक्ट आंसर को हम एक्स लेट कर लेते हैं और इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ कि नेक्स्ट शीट पर कि लेट द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर बी ऑब्टेन्ड, यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन, लेट द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर ऑब्टेन्ड इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, लेट द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर ऑब्टेन्ड उसको इक्वल टू मैंने एक्स कर दिया। अब यहाँ पे क्या था कि 5 points आर रिवॉर्डेड फॉर अ करेक्ट आंसर, अगर करेक्ट आंसर होगा तो 5 points, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर देंगे 5x माइनस, ये तो थे ना कि टोटल मार्क्स अगर सब कुछ ठीक होगा, लेकिन उसके टोटल तो उसके तो पूरे नहीं ना आए, उसके 66 या 66 से कम है, तो माइनस कर देंगे क्या लिखा हुआ था, 2 points काटे जाएंगे अगर तो आंसर गलत हुआ या फिर आंसर नहीं किया, ठीक है। और यहाँ पर क्या था, टोटल 30 questions थे तो हम कर देंगे 2 into 30 माइनस एक्स। ये मैंने किस वजह से किया, इस वजह से किया है क्योंकि अगर तो उसने बीच में से जो ब्लैंक छोड़े या जो उसने बीच में गलत किए हैं, ठीक है, उसकी वजह से यहाँ पर 2 लिखा कि जो उसके मार्क्स कटेंगे, टोटल 30 questions थे इस वजह से मैंने यहाँ पर 30 लिख दिया माइनस एक्स। एक्स यहाँ पर क्या होगा कि हमारे पास बीच में से हम माइनस करेंगे 5 में से, यानी कि टोटल में से करेक्ट में से जो उसके अनकरेक्ट है उनको हमने माइनस करने के लिए ऐसे किया, ठीक है। इज लेस देन इक्वल्स टू किसके इक्वल, 66, क्योंकि उन्होंने बोला था कि हर यहाँ पे लिखा हुआ है एंड हर टोटल स्कोर ऑफ क्विज वाज नॉट मोर देन 66, या तो 66 है या 66 से कम है, नॉट मोर देन 66, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं तो मेरे पास हो जाएगा 5x माइनस 2 into 30 60 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा 2 into x 2x इज लेस देन इक्वल्स टू 66। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x प्लस 2x माइनस 60 इज लेस देन इक्वल्स टू 66। 5 plus 2 क्या हो जाएगा मेरे पास 7x इज लेस देन इक्वल्स टू 66, ये माइनस 60 है, इधर आप क्या हो जाएगा प्लस 60। 7x इज लेस देन इक्वल्स टू 0 प्लस 6 हो गया, 6 plus 6 12 126। तो मेरे पास x यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोथ साइड पे 7 से डिवाइड कर देंगे तो 126 डिवाइडेड बाय 7, इसको साइड पे डिवाइड कर लेते हैं 126 को 7 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 1 7, पीछे कितने बचते हैं मेरे पास यहाँ से 5 56, 7 8 56 होते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 7 8 56। तो मेरे पास यानी कि आ गया x इज लेस देन इक्वल्स टू 18, यानी कि मैक्सिमम उसके करेक्ट मतलब कि आंसर कितने थे, 18 थे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं द मैक्सिमम नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स ऑब्टेन्ड इज इक्वल्स टू, ठीक है, मैक्सिमम कितने करेक्ट उसके थे, 18 थे,
तो ये थी जी आज की वीडियो जिस मैंने आपको करवाया एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर 8। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो उसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। और जो मेरा सेकंड चैनल है जिसके बीच मेरी कुकिंग की, क्राफ्ट्स की, रिडल्स की, ट्रैवलिंग की वीडियोज़ हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो मेरी बहन का चैनल है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।